So hello everyone. So this is CA Sanidhya Saraf, your friend, mentor and coach. So welcome to Audit Saga by CA Sanidhya Saraf. इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं कि भाई सीए इंटर ऑडिट में 70 प्लस मार्क्स कैसे सिक्योर करने हैं. एंड बिलीव मी, इट इज इंडीड पॉसिबल टू सिक्योर 70 प्लस मार्क्स इन सीए इंटर ऑडिट. खाली अपना जो फ्लो ऑफ स्टडीज होना चाहिए सर, वो प्रॉपर होना चाहिए. अपने को जो पढ़ने का तरीका है वो प्रॉपरली आना चाहिए. अपना जो पढ़ने का मेथडोलॉजी है वो प्रॉपरली आना चाहिए. तो इंटर ऑडिट में 70 प्लस बिल्कुल टफ नहीं है. आपने सीए फाइनल ऑडिट में ओवर द इयर्स इतने सारे स्टूडेंट्स को 70 प्लस सिक्योर कराए हैं, कितने सारे बच्चों ने 70 प्लस सिक्योर किए हैं. तो यार इंटर ऑडिट में तो आप सोच के देखो कि 70 प्लस बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, अगर सीए फाइनल ऑडिट में इतने सारे हमारे स्टूडेंट 70 प्लस सिक्योर कर सकते हैं. सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफी कुछ डिराइव करके जाओगे आप इस वीडियो से. आप चाहे क्लासेस ले रहे हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, हर किसी बच्चे के लिए ये पार्टिकुलर वीडियो रेलिवेंट है. आप चाहे किसी और टीचर से क्लासेस ले रहे हो, आप चाहे मुझसे क्लासेस ले रहे हो, हर बच्चे के लिए ये वीडियो रेलिवेंट है. इसी तरीके से इस वीडियो को डिजाइन किया गया है. ठीक है, अब तीन मंत्रास है टू सिक्योर 70 प्लस इन ऑडिट. तीन मंत्रास है, मैंने तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया है सर. सबसे पहले फोकस ऑन सीपीआई फॉर्मूला, दैट इज गोइंग टू बी द स्टेप नंबर वन. स्टेप नंबर टू इज गोइंग टू बी फोकस ऑन द आरटी फॉर्मूला. एंड स्टेप नंबर थ्री इज गोइंग टू बी द नो द प्रॉपर सिक्वेंस ऑफ योर स्टडी. और ये जो स्टेप थ्री है, नो द प्रॉपर सिक्वेंस ऑफ योर स्टडी, इसको हमने 7 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है. आपके पूरे सिलेबस को 7 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है कि अगर आप इस 7 ब्लॉक में अपने सिलेबस को डिवाइड करके पढ़ोगे ना स्टेप बाय स्टेप, तो आपके लिए ऑडिट बहुत आसान हो जाएगा, आपके लिए ऑडिट बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा. ठीक है जी, वीडियो को फटाफट लाइक कर दो यार, वीडियो को फटाफट शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमें एक उत्साह बना रहे हमारे मन में कि यार अपने को और मेहनत करना है आप सबके लिए, अपने को और एफर्ट्स लगाना है आप सबके लिए. तो व्हाट इज द सीपीआई फॉर्मूला माय डियर फ्रेंड्स? तो सीपीआई फॉर्मूला इज C stands for concept, P stands for presentation, I stands for interlinking. C stands for concept, P stands for presentation, I stands for interlinking. तो अपने को सर कॉन्सेप्ट में काम करना है, प्रेजेंटेशन में काम करना है, इंटरलिंकिंग में काम करना है. आपका स्टेप नंबर वन है कि आप इंश्योर करो कि भाई आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो भूल जाओ बाकी सब, तो ऑडिट में अच्छा मार्क्स लाना पॉसिबल ही नहीं है. ऑडिट में पास होने का भी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा इवन टू गेट दैट पासिंग मार्क्स. तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एकदम मस्ट है, एकदम मैंडेटरी है. तो सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन करो सर, क्या मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, वेल देन गो अहेड विद द अदर पार्ट ऑफ द वीडियो. एंड अगर आपको लगता है कि यार अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपका स्टेप वन ये होना चाहिए कि कोई फास्ट ट्रैक कोर्स लेना है, कोई एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स लेना है, अपना कॉन्सेप्ट फटाफट क्लियर कर लेना है, उसके बाद जाके बाकी स्ट्रेटेजीज काम आएंगे. ठीक है ना जी? तो सबसे पहले क्वेश्चन करो, क्या मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? नहीं है. कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई क्लासेस वगैरह दोबारा लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो स्ट्रेटेजी मैं वीडियो में बताऊंगा उसको फॉलो करते जाना है. और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो भाई पहले क्लासेस लेनी है, फिर बचा हुआ स्ट्रेटेजी फॉलो करना है. ठीक है, और उतना टाइम नहीं है अपने पास कि अपन 150 घंटे की क्लासेस देखें, 200 घंटे की क्लासेस देखें. तो जितना हो सके कम टाइम के अंदर ही अपने क्लासेस को खत्म करना है. आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना है. मेरा जो फुल फ्लैजेड ऑडिट का कोर्स है सर, सीए इंटर ऑडिट का, वो 80 आवर्स का है. 80 आवर्स में पूरा इंटर ऑडिट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ आपको करवाया हुआ है. तो कॉन्सेप्ट हो गया जी, उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन. अब कॉन्सेप्ट्स क्लियर है सर, खाली कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने से कुछ नहीं होगा. कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने से पासिंग मार्क्स का जुगाड़ हो जाएगा, 40-50 का जुगाड़ होगा, 60-70 नहीं आएगा जी. 60-70 लाने के लिए आपको एंश्योर करेगा करना होगा ऑप्टिमम प्रेजेंटेशन इन द एग्जाम हॉल. आपको समझना होगा कि आप आईसीआई का एग्जाम दे रहे हो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का एग्जाम दे रहे हो. तो एक्सपेक्टेशन लेवल जो है ना आपसे, वो इतना है और आप डिलीवर करते हो इतना. आप एकदम लेम एंड बिकॉम स्टाइल आंसर ड्राफ्टिंग करके आते हो, जिससे काम नहीं चलता है. 4 मार्क के क्वेश्चन में आपको 2 मार्क आते हैं, फिर आप बोलते हो सर मुझे आता था, मैं लिख के आया था, बट इंस्टीट्यूट ने 4 में से मेरे को 2 मार्क्स दिए एंड ओवरऑल मेरे को 50 नंबर ही आए या 40 नंबर ही आए. तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सर आपका प्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट नहीं होता एंड आपका इंटरलिंकिंग स्किल्स अप्रोप्रिएट नहीं होता. आपको टॉपिक्स को इंटरलिंक करना नहीं आ रहा होता एंड आपका प्रेजेंटेशन अप टू द मार्क नहीं होता. तो अपने को प्रेजेंटेशन में बहुत काम करना है सर, प्रेजेंटेशन में बहुत काम करना है. जिन बच्चों ने क्लासेस लिया है या क्लासेस लेने वाले हो, तो आपको प्रेजेंटेशन के लिए बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है. और जिन लोगों ने क्लासेस नहीं लिया है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या फिर आपने कहीं और से क्लासेस ली है बट प्रेजेंटेशन के बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, ज्यादा इनसाइट्स आपके साथ शेयर नहीं किए गए हैं, तो भाई मैं यही एडवाइस करूंगा, जितना हो सके इंस्टीट्यूट के आंसर्स रेफर करो, सजेस्टेड आंसर्स रेफर करो एंड कोशिश करो वहां से प्रेजेंटेशन सीखने की. ठीक है ना? क्योंकि क्लासेस के अंदर तो प्रेजेंटेशन के ऊपर आप बहुत अलग से अच्छे से डिस्कस करते हैं, अच्छे से चर्चा करते हैं.
तो उतना यहां बता पाना तो पॉसिबल नहीं होगा, बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इंस्टीट्यूट के आंसर्स जितना हो सके क्लोजली ऑब्जर्व करो एंड अकॉर्डिंगली आप अपने आंसर्स को भी ड्राफ्ट करने की कोशिश करें। उसके बाद स्टेप नंबर टू होता है सर, फोकस ऑन द आरटी फॉर्मुला। व्हाट इज आरटी फॉर्मुला सर? कॉन्सेप्ट्स हो गया जी, प्रेजेंटेशन का आपको पता है जी। अब आरटी फॉर्मुला पे काम करना है, मतलब रिवीजन टेस्ट। आर फॉर स्टैंड्स फॉर रिवीजन, टी स्टैंड्स फॉर टेस्ट, मतलब रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट। सक्सेस मंत्र है जी, रिवाइज करो टेस्ट दो, रिवाइज करो टेस्ट दो। कुछ बच्चे यहाँ पे सिर्फ आर यूज करते हैं, टी यूज नहीं करते हैं। तो आपको सर आरटी फॉर्मूला एक साथ यूज करना है। रिवीजन किया टेस्ट दिया, रिवीजन किया टेस्ट दिया, रिवीजन किया टेस्ट दिया, चैप्टर बाय चैप्टर रिवाइज करा टेस्ट दिया, रिवाइज करा टेस्ट दिया। और आप देखोगे कि आप आरटी फॉर्मूला यूज करते जाएं, यूज करते जाएं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आता जाएगा, ऊपर आता जाएगा। आप अपनी गलतियों से सीखना स्टार्ट कर दोगे एंड इवेंचुअली आपका जो परफॉर्मेंस है एग्जाम हॉल में बहुत अच्छा निकल के आएगा। ठीक है ना सर? अब रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन करने के लिए भी मैंने बहुत सारे कमाल के रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड किए हैं, जिनको यूज करके आप क्या कर सकते हो सर, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स अपने सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो। और टेस्ट कैसे देना है उसका भी गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। वेट टिल द एंड ऑफ द वीडियो, वीडियो के आखिर तक बने रहें। और तीसरी चीज होती है सर, नो द प्रॉपर सिक्वेंसिंग ऑफ द स्टडी। नो द प्रॉपर सिक्वेंसिंग ऑफ द स्टडी, पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। रैंडमली पढ़ोगे तो कहीं नहीं जाओगे। ऑडिट में अपन स्टडी करते हैं, पहले प्लान करना जरूरी होता है, पहले प्रोग्राम बनाना इंपॉर्टेंट होता है। तो अपने को प्रॉपर सिक्वेंसिंग करनी है, एबीसी एनालिसिस करनी है, सिलेबस को टुकड़ों में डिवाइड करना है, ब्लॉक्स में डिवाइड करना है एंड अकॉर्डिंगली अपने प्रिपरेशन करने हैं। एंड आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने पूरे सिलेबस को 7 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। तो अकॉर्डिंगली आपने पहले ब्लॉक 1 पढ़ना है, फिर ब्लॉक 2 पढ़ना है, फिर ब्लॉक 3, फिर ब्लॉक 4, फिर ब्लॉक 5, फिर ब्लॉक 6, फिर ब्लॉक 7। तो उस कॉन्सेप्चुअल फ्लो में आपने आगे बढ़ना है, जिससे आपके लिए आपका ऑडिट का प्रिपरेशन आसान होगा। जो बच्चे क्लासेस ले रहे हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं सर, जो बच्चे क्लासेस ले रहे हैं ना, तो आपको इनिशियली क्लासेस के साथ ये ब्लॉक्स फॉलो नहीं करना। जिस सीक्वेंस आपको क्लास में कराया जा रहा है आपको उस सीक्वेंस में पढ़ना है, लेटर ऑन रिवीजन के वक्त ये ब्लॉक्स फॉलो करने हैं। और जिन लोगों ने क्लास ऑलरेडी ले चुका है, बस रिवीजन का काम बाकी है, तो भाई आपने ये ब्लॉक टेक्निक यूज करनी है। और आप बोलोगे सर ब्लॉक टेक्निक यूज करके मजा आ गया, आपने क्या ब्लॉक्स बना के दिए हैं सर, मजा आ गया इस ब्लॉक में रिवाइज करके। आप ये समझ लो जितने सालों का मेरा एक्सपीरियंस है ना, वो सारा मैंने झोंक दिया है इन ब्लॉक्स को बनाने में। तो ब्लॉक नंबर 1 के अंदर क्या इंक्लूड करा है मैंने सर, कंपनी ऑडिट का टॉपिक इंक्लूड करा है, कारो 2020 का टॉपिक इंक्लूड करा है, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के अंदर ऐसा 700, 705, 706, जो बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर का पार्ट होता है, ये 3 सेक्शंस इंक्लूड करे हैं। एंड कंपनी अकाउंट्स चैप्टर के भी 3 सेक्शंस इंक्लूड करे हैं जो कंपनी ऑडिट का पार्ट होता है, सेक्शन 129, 132, 138। 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो सेक्शन है, 132 नफरा से रिलेटेड जो सेक्शन है, 138 इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड जो सेक्शन है। ठीक है, तो ये हो गया अपना ब्लॉक 1। और आप मान के चलो ब्लॉक 1 से आपको एग्जाम में 20 मार्क्स का वेटेज एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आता है सर ब्लॉक 2, जिसके अंदर मैंने कुछ स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग इंक्लूड करे हैं। जो सीक्वेंस स्टैंडर्ड्स का अपने को वो फॉलो नहीं करना 200 to 700, जो सीक्वेंस मैं आपको दे रहा हूं ब्लॉक वाइज वो फॉलो करना है। आपका स्टैंडर्ड्स का आप देखोगे प्रिपरेशन ज्यादा आसानी से होगा। तो सबसे पहले सर सारे बेसिक स्टैंडर्ड्स कीजिए ब्लॉक 2 में, जो बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं पूरे सिलेबस में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए रेलिवेंट है। तो ऐसे 200 हो गया, 210 हो गया, 220 हो गया, 230 हो गया, 300, 315, 320, 500, 501, 505, 510, 520। ठीक है जी, तो ये सारे स्टैंडर्ड्स आप ब्लॉक 2 में कर लीजिए। दैट इज मैंने टोटली अराउंड 12 स्टैंडर्ड्स आपके ब्लॉक 2 में रखा है। उसके बाद ब्लॉक 3 में आप करिए अपना चैप्टर नंबर 1 to 4। तो चैप्टर नंबर 1 to 4, यस बस आईसीएस स्टडी मैट बोल रहा हूं मैं, तो इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग वाला चैप्टर हो गया, ऑडिट एविडेंस का चैप्टर हो गया, स्ट्रेटजी प्लानिंग वाला चैप्टर हो गया, रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल वाला चैप्टर हो गया। तो ये सारे चैप्टर्स ब्लॉक 3 में आते हैं सर, ये कर लीजिए। क्योंकि ये सारा चैप्टर्स में आप क्या होगा पता है, आपको टाइम एकदम नहीं लगेगा। ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 में आपने जो तैयारी करी है ना, उस तैयारी के बाद आप देखोगे कि ब्लॉक 3 में आपको 3 में आपको बहुत कम समय लग रहा है और ब्लॉक 3 में आपका जो एफर्ट्स है वो बहुत कम जा रहा है। तो अब आप करेंगे ब्लॉक 3 में चैप्टर 1 to 4। उसके बाद ब्लॉक 4 में आकर फिर आप कुछ स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग कवर करेंगे सर, ऐसे 240, 250, 299, 600, 610, 620, 530। तो ये जो कुल मिलाकर मैंने आपको 7 स्टैंडर्ड्स दिया है, ये आप ब्लॉक 4 में रखेंगे, 240, 250, 299, 600, 610, 620, 530। यानी 240 यानी फ्रॉड का स्टैंडर्ड, 250 यानी लॉस रेगुलेशन का स्टैंडर्ड, 290 यानी जॉइंट ऑडिट का स्टैंडर्ड, 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर्स, 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स, 620 यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट एंड 530 ऑडिट सैम्पलिंग।
फिर ब्लॉक फाइव के अंदर मैंने आपको तीन चैप्टर्स दिए हैं, चैप्टर फाइव जो कि फ्रॉड का चैप्टर है, चैप्टर सेवन जो कि सैम्पलिंग का चैप्टर है, चैप्टर एट जो कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स का चैप्टर है। अगेन आप देखोगे कि ब्लॉक फोर करने के बाद ब्लॉक फाइव में आपका ज्यादा समय नहीं जा रहा है और बहुत कम एफर्ट्स के साथ आप ब्लॉक फाइव को कवर अप कर पा रहे हैं। उसके बाद सर आता है अपना लास्ट में ब्लॉक सिक्स एंड ब्लॉक सेवन। तो ब्लॉक नंबर सिक्स में आप कर लीजिए ऑडिट ऑफ ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट का चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर है इन ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट के ऊपर। इसका फुल फ्लैजेड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर अवेलेबल है, आप उस वीडियो से भी क्या कर सकते हो सर अपना कवरेज कर सकते हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी का चैप्टर, गवर्नमेंट ऑडिट का चैप्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट का चैप्टर, तो ये सारा आप कर लीजिए सर ब्लॉक सिक्स में। और ब्लॉक सेवन में फाइनली आप करिए बैंक ऑडिट का चैप्टर, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड जो बचे कुछ रेसिडुअल स्टैंडर्ड्स हैं जिनका नाम हमने ऊपर नहीं लिया था। तो बैंक ऑडिट, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट में आपको करने को बोल रहा हूं मैं, क्योंकि टाइम ज्यादा लगता है, थोड़ा सा वॉल्यूमनस है, तो इसको लास्ट में कीजिए सर। एंड रेसिडुअल स्टैंडर्ड जो हमने पहले कवर अप नहीं किया था, जो एग्जाम के लिए कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है या फिर आपके सिलेबस में नहीं है, तो इस तरीके से सर क्या करना है आपको, ब्लॉक वाइज आपको प्रिपरेशन करना है। किस ब्लॉक में कितना टाइम लगना चाहिए सर पढ़ते वक्त, रिवाइज करते वक्त? तो ब्लॉक वन जो है कंपनी ऑडिट कारो 700 सीरीज एंड दिस, आप मान के चलो सर ब्लॉक वन में मैक्सिमम आपको 8 आवर्स लगने चाहिए, इसके ऊपर नहीं लगना चाहिए। ब्लॉक टू के अंदर टोटल मिला के सर अपने पास 12 स्टैंडर्ड्स हैं, एक स्टैंडर्ड में मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा ये बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं अपने, तो 45 मिनट्स के हिसाब से मान लीजिए, ठीक है ना, 45 मिनट्स के हिसाब से मान लीजिए। तो अगेन ब्लॉक नंबर टू के अंदर भी आपको लगना चाहिए 10 आवर्स मान रहा हूं मैं। ब्लॉक नंबर थ्री कंसिस्टिंग ऑफ चैप्टर नंबर 1, 2, 4, ज्यादा से ज्यादा सर इसमें 6 आवर्स लगना चाहिए। रीजन सिंपल है कि ब्लॉक नंबर वन एंड टू में मैक्सिमम कवरेज आपका हो चुका रहेगा। चलो 6 आवर्स नहीं, 8 आवर्स ही मान के चलता हूं, 8 आवर्स ही मान के चलता हूं इन द फर्स्ट रिविजन। आप मान के चलो ये सारा टाइमिंग मैं फर्स्ट रिविजन का बता रहा हूं, सबसिक्वेंट रिविजन में टाइम कम हो जाएगा। ब्लॉक नंबर 4, 240, 250, 299, 600, 610, 620, 630, तो इस पार्टिकुलर ब्लॉक में लगेगा आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 घंटे, नॉट मोर देन दैट, 6 आवर्स। चैप्टर नंबर ब्लॉक नंबर फाइव, चैप्टर नंबर फाइव सिक्स एंड सेवन फ्रॉड का जो ब्लॉक है, तो इस पार्टिकुलर ब्लॉक में आपको लगने वाला है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 आवर्स, मैक्सिमम 3 घंटे लगेंगे सर, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे। ब्लॉक नंबर सिक्स चार चैप्टर है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट, सिर्फ ये चैप्टर 2 से 2.5 घंटे का है। गवर्नमेंट ऑडिट का चैप्टर 30-45 मिनट का है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट का चैप्टर 40-45 मिनट्स का है, एंड ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट इसको भी मैं मैक्सिमम 6 आवर्स मान के चल रहा हूं। एंड ब्लॉक नंबर सेवन जो है सर बैंक ऑडिट, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रेसिडुअल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, इसमें आप मान लीजिए मैक्सिमम 8 आवर्स, ये आपका मैक्सिमम टाइम जोन है सर, इससे ज्यादा आपको समय इस ब्लॉक में नहीं लगाना है। तो 8, 14, 17, 23, 31, 41, 49, तो आप मान लीजिए ये पूरा 50 आवर्स का अपना रिविजन प्लान है, ये आपका पूरा 50 आवर्स का सर रिविजन प्लान है। और जो आप ब्लॉक के हिसाब से करोगे तो 50 घंटे में हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए सर। इससे ज्यादा समय लग रहा है ना, मतलब कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी कम है, कहीं ना कहीं आपको ऑडिट पढ़ने का तरीका नहीं आ रहा है। 80 आवर्स में तो हम पूरा कोर्स ही कवर कर लेते हैं यार ऑडिट का। अगर तुमको लग रहा है कि खुद से रिवाइज करने में तुमको 100 घंटा लग रहा है, बेटर है तुम क्लास ले लो, 80 आवर्स में तो पूरा कोर्स ही खत्म हो जाएगा। तो मैक्सिमम 50 आवर्स लगना चाहिए फर्स्ट रिवीजन में ब्लॉक वाइज। सब्सिक्वेंटली आप मान लो सेकंड रिवीजन में 35 घंटा लग जाएगा, थर्ड रिवीजन में 25 घंटा लग जाएगा, तुमको उस 25 घंटे के होराइजन में फॉल करना है सर, क्योंकि तुमको 1.5 डेज में पूरा सिलेबस भी रिवाइज करना है, भूलना मत। अब सर रिवीजन एंड टेस्ट को इंश्योर करने के लिए हमारी तरफ से क्या सपोर्ट मिलेगा आपको, तो सर सबसे पहले ना बच्चों का क्वायरी एड्रेस करने के लिए कोई नहीं होता, जो मैंने देखा है जिन टीचर्स आपने क्लासेस लिए वहां से भी कभी कभी क्वायरी सॉल्व नहीं होता। सो दैट इज वाई अपनी तरफ से आपको मिलने वाला है फुल क्वायरी रिजोल्यूशन, आपने चाहे मुझसे क्लासेस ली हो चाहे नहीं ली हो, क्लासेस नहीं ली हो तब भी फुल क्वायरी रिजोल्यूशन मिलेगा आपको मेरी तरफ से। आपको क्या करना है सर, आपको सिर्फ इतना करना है कि जो फोन नंबर दीजिए, जो आपका आपका डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है @CSAnithyaSaraf, या फिर फोन नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए 7838078380611937838086113। 7838086113 आपको इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर देना है। आपको इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या कर देना है सर, मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर देना है, मेरा रिप्लाई आपको 24 आवर्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है, मेरा रिप्लाई आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। और कोई बहुत अर्जेंट क्वायरी है सर, बहुत अर्जेंट क्वायरी है, सिर्फ मुझसे ही बात करना, आपको मुझसे डायरेक्टली बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है सर सानिध्य सर कैन हेल्प मी आउट, तो आप दूसरा नंबर एक नोट डाउन कर लीजिए,
8638585890 8638585920 आप यहाँ पे मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। बट प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस पार्टिकुलर नंबर में कनेक्ट तभी कीजिएगा अगर बहुत अर्जेंट है, आपको कुछ ऐसा सपोर्ट चाहिए कि आपको लगता है सर मुझसे आपको पर्सनली बात करनी है। उसके बाद रिविजनरी ऑडियो क्लिप्स, रिविजनरी ऑडियो क्लिप्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द एंटायर ऑडिट सिलेबस, और आप देखोगे कि पूरा का पूरा इंटर ऑडिट 7 से 8 घंटे में रिवाइज हो गया। 7 से 8 घंटे में, क्या बात कर रहे हो सर? जी हाँ, 7 से 8 घंटे में पूरा इंटर ऑडिट आप रिवाइज कर लोगे यूजिंग दिस रिविजनरी ऑडियो क्लिप्स। और क्या फीस रहेगा सर इसका? इसका फीस रहेगा आपका हार्डवर्क, आपका मेहनत, आपका डेडिकेशन। इट इज अवेलेबल कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये कहाँ मिलेगा सर आपको? हमारे जो टेलीग्राम चैनल है सीए इंटर ऑडिट स्टूडेंट्स के लिए, लॉ एंड ऑडिट पाठशाला बाय सीए सानिध्य सराफ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां ये सारे ऑडियो क्लिप्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है ना? वहां ये सारे ऑडियो क्लिप्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके अलावा सर आपके एग्जाम से पहले आपको मिलेगा फ्री मैराथन लेक्चर्स, फ्री मैराथन लेक्चर्स, राइट? तो पूरा का पूरा ऑडिट सिलेबस हम लोग रिवाइज करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 घंटे में। मैराथन लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको मजा आ जाएगा इनको अटेंड करके, इनको देखकर। यूट्यूब चैनल में बने रहे, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करें। उसके अलावा मिलेगा आपको लाइफ टाइम अमेंडमेंट सपोर्ट। आप चाहे मेरे स्टूडेंट है नहीं है, मुझसे क्लासेस ली है नहीं ली है, जीवन भर तुम समझ लो भाई जो भी ऑडिट में अमेंडमेंट्स आने वाला है ना, हर अटेम्प्ट वो तुमको मेरी तरफ से मिलने वाला है इन माई यूट्यूब चैनल। उसके अलावा रेगुलर टेस्ट टेलीग्राम में कंडक्ट कराया जाएगा, रेगुलर टेस्ट टेलीग्राम में कंडक्ट किया जाएगा आपके कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करने के लिए, जो कि फ्री टेस्ट होंगे। एंड आपको अगर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज देना है, आपको कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट प्रोग्राम में एनरोल करना है, जहां आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हो, जहां पे आप 100 मार्क टेस्ट दे रहे हो, आईसीआई के फॉर्मेट में आपको पेपर्स मिल रहा है, आपको आईसीआई के ही पैरामीटर्स के हिसाब से प्रॉपर इवैल्यूएशन मिल रहा है, सो वो सपोर्ट सिस्टम भी अवेलेबल है। बट वो पेड सर्विस है हमारा, दैट इज अवेलेबल एट www.apnamental.com, www.apnamental.com, जहां पे आप जाकर टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल कर सकते हो। द मोस्ट रिलायबल टेस्ट सीरीज प्रोग्राम यू कैन गेट एवर। और ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि सर सिर्फ ऑडिट के लिए अवेलेबल है। करीबन 8 चैप्टर वाइज टेस्ट, 200 मार्क का टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है, प्रॉपर आईसीआई फॉर्मेट के हिसाब से पेपर सेट किया जाता है, एंड आपको इवेलुएशन भी आईसीआई पैरामीटर्स के हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है, एंड 200% आपको इवेलुएशन मिलता है। ऐसा नहीं होता कि पेपर्स आपने सबमिट किया और आपको इवेलुएशन ही नहीं मिल रहा, सो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है ना? तो आपको पूरा सपोर्ट वहां पे मिलेगा। तो सर आप देख सकते हो यार, 70 to 80% चीजें तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, पूरा क्वायरी रिजोल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। मुझसे कनेक्ट करने चाहते हो यार, आई एम अवेलेबल फॉर यू फ्री ऑफ कॉस्ट। रिविजनरी ऑडियो क्लिप्स, फ्री मैराथन लेक्चर्स, अमेंडमेंट सपोर्ट, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। खाली आपको फुल फ्लैजेड अगर ऑडिट क्लासेस एनरोल करना है तो वो पेड कोर्स है। www.apnamental.com विजिट कीजिए, एनरोल कीजिए। 80 आवर्स में पूरा ऑडिट एकदम धासु तरीके से कवर्ड है, मजा आ जाएगा। एंड आपको अगर टेस्ट देना है, कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के लिए एनरोल करना है, तो वो एक पेड सर्विस है। फॉर दैट अगेन यू कैन विजिट www.apnamental.com, राइट? सो उम्मीद करता हूं मैं कि यार ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहा होगा, ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सीए इंटर की बात करें अगर हम लोग, तो सर अब सीए इंटर में ना अब ऑडिट को बहुत आसान बनाना है बच्चों के लिए। फाइनल में ऑडिट को हमने बहुत आसान बनाया स्टूडेंट्स के लिए, अब एक ही मकसद है यार सीए इंटर में ना ऑडिट को बहुत आसान बनाना है बच्चों के लिए। मतलब आपको मजा आना चाहिए, आपको मजा आना चाहिए ऑडिट में, आपको मजा आना चाहिए ऑडिट में, आपको ये फील होना चाहिए कि यार ऑडिट एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और जब आपको अंदर से फील होगा ना कि ऑडिट एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मतलब मुझे लगेगा कि मैंने अपना विक्ट्री अचीव कर लिया, दैट्स माई रियल टारगेट। तो आप चाहे मेरे स्टूडेंट्स हैं नहीं हैं, आपने मुझसे क्लासेस ली है नहीं ली हैं, आपने मुझे फीस दिया है नहीं दिया है, भाई मैं तो आपके लिए कमिटेड हूं, मैं तो आपके लिए डेडिकेटेड हूं, समर्पित हूं, एंड माई 200% सपोर्ट इज विथ यू ऑल। लव यू ऑल, टेक केयर।